सेकेंड क्लास आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम्स। उसमें हम जो है ना ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम सारा पढ़ेंगे। द लार्ज एंड द कम्प्लेक्स एनिमल्स हैव द लिटिल एक्सपोज सरफेस एरिया। मोस्ट ऑफ द सेल आर नॉट एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायरेक्टली। मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे सेल जो हों वो एक्सपोज हों। कुछ सेल्स इंटरनल भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट द मटीरियल बाय द सिंपल डिफ्यूजन। द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव इवॉल्व ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनकी ट्रांसफॉर्म जो होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के फॉर्म में होती है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। क्या है हमारे पास? सर्कुलेटरी सिस्टम इज कम्पोज फॉर द रैपिड मास फ्लो ऑफ द मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। दे आर द थ्री करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम ये सारे पढ़ेंगे, इसको मतलब थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। अ सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसमें क्या आता है, ब्लड। अ कॉन्ट्रैक्टिंग पंपिंग डिवाइस जिसको कहते हैं हार्ट। और तीसरा है द ट्यूब्स विच कैन ट्रांसपोर्ट द सर्कुलेटरी फ्लूइड। These tubes are called the blood vessels. Materials must be exchanged between the circulatory fluid and the other body fluid. मतलब उस जो blood vessels उसमें क्या आ सकता है, arteries, veins, capillaries. अब दो system होते हैं circulatory system के, एक open होता है एक closed होता है. Open circulatory system a circulatory system in which blood does not move in a closed blood vessels is called open circulatory system. It is present in the phylum arthropoda, phylum mollusca and the ट्यूबिकेट्स, अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा आपने किंगडम एनिमेलिया के अंदर पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड मूव इन अ क्लोज वेसल इज कॉल्ड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज प्रेजेंस इन द एनिलिड्स जो है ये कैफलोपोड्स में होता है, मोलस्क्स में होता है, जो है इकोनिडर्म्स में होता है और वर्टिब्रेट्स जिसमें हम शामिल हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्लड, हार्ट और जो है ब्लड वेसल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इन मैन, क्योंकि हमने ह्यूमन बींग्स का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा ना, तो इसलिए हम मैन का पढ़ेंगे। देयर आर टू सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन मैन, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक लम्फेटिक सिस्टम होता है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द सर्कुलेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन हैव द थ्री बेसिक कंपोनेंट सर्कुलेटरी फ्लूइड। वहीं बात ब्लड द पंपिंग ऑर्गन द हार्ट द ब्लड वेसल्स आर्टरीज कैपिलरीज वेन्स। द ब्लड द सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड इज मीडियम विच डिजॉल्व द न्यूट्रिएंट्स गैसेस हार्मोन्स एंड वेस्ट दीज मटीरियल्स थ्रू द बॉडी। मतलब ब्लड क्या है, एक मीडियम है जो कि डिजॉल्व करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, हार्मोन्स को, बाद में वेस्ट मटीरियल को भी। इट इज मेड अप ऑफ द टू मेन कंपोनेंट्स। अब इसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है इसके ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है, इट इज़ द 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। मतलब हमारे ब्लड का 100 में से जो है 55% जो होता है वो होता है प्लाज्मा। द ब्लड सेल और द सेल्स लाइक अ बॉडीज, दीज आर द वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ब्लड सेल इज द 45% ऑफ द टोटल, बल्कि जब 100 में से 55 गए तो 45 रहेंगे ना, द 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। द वेट ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी इज अबाउट 1/12 ऑफ द आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी का 1/12 कर लो, सपोज अगर आपका वेट जो है 55 है, उसको 1/12 ले लो तो जितना होगा उतना आपका वेट जो होता है ब्लड का होता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज अ प्राइमेरली वाटर इन विच द प्रोटीन सॉल्ट न्यूट्रिएंट एंड द वेस्ट आर डिजॉल्व। मतलब प्लाज्मा हमारे पास एक प्राइमरी टाइप ऑफ वाटर है जिसके अंदर ये सारा कुछ डिजॉल्व हो जाता है। अब ये हमारे पास डिफरेंट सेल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स का कंपैरिजन है। मैं आपको जिस तरह से ये शॉर्टली करा रही हूँ ना, आपने उसको उसी तरह से करना है, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें कहते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये बाइकनकेव डिस्क होते हैं, ये देखें बाइकनकेव डिस्क है, विदाउट न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नंबर क्या होते हैं हमारी बॉडी में, ये 5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपोर्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ये 7500 पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं। उसके बाद है ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें न्यूट्रोफिल्स, ये ओसिनोफिल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ द रेड सेल्स। मतलब ये अगर 5 मिलियन पर मीटर क्यूब है ना, तो ये इसका ट्वाइस होगा। न्यूक्लियस 2 of the 5 lobes, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसमें 2 lobes के अंदर 5 nucleus होते हैं, 2 or 5 lobes। 62% ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द
फेगोसाइट, फेगोसाइट की स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ईओसिनोफिल्स जो होते हैं हमारे पास अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ये भी ट्वाइस होते हैं साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ये भी ट्वाइस होते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, बायलॉब्ड होता है, इसमें 2 to 5 लॉब्ड होते हैं ना, इसमें जस्ट बायलॉब्ड होते हैं। इसके नंबर्स क्या होते हैं, 2% ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स और इनएक्टिव इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस अटैक पैरासाइट्स को अटैक। उसके बाद है बेसोफिल, अबाउट ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, न्यूक्लियस बायलॉब्ड, पीछे भी बायलॉब्ड था इसमें भी बायलॉब्ड है, उसमें हमारे पास 2% वाइट ब्लड सेल्स है, इसमें लेस देन 1% वाइट ब्लड सेल्स है। ये रिलीज द हैपेंस टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स एंड द हिस्टामाइंस विच कॉजेज द इन्फ्लेमेशन, मतलब ये ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोकते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स हो गया हमारे पास, पहला क्या था हमारे पास सेल टाइप्स में रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स, फिर ग्रेनुलोसाइट्स था, अब एग्रेनुलोसाइट्स है। इसमें मोनोसाइट्स क्या होंगे, 2 or 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर देन द रेड ब्लड सेल्स, न्यूक्लियर शेप फ्रॉम द राउंड टू द लॉब्ड, राउंड से लॉब्ड होता है, 3% ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स, गिव राइज टू द मैक्रोफेग्स विच डिस्ट्रॉय द लार्ज पार्टिकल ऑफ फेगोसाइट्स, ये भी लार्ज पार्टिकल ऑफ फेगोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो भी वो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फेगोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लैम्फोसाइट्स अगर आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में आपको आसानी से याद हो जाएंगे। लैम्फोसाइट्स स्लाइटली लार्जर देन रेड सेल्स, न्यूक्लियस नियरली फिल्ड सेल्स, 32% ऑफ द वाइट सेल्स, फंक्शन इन द इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। प्लेटलेट्स में क्या आता है, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्म फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स इन बोन मैरो कॉल्ड द मेगा कैरोसाइट्स, मतलब ये हमारे पास मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म है जो कि बोन मैरो के अंदर पाया जाता है, ये 2,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है, इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग से बचाने के लिए ये होते हैं। आगे डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब चलते हैं हार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट को पम्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इसमें आता है पेरिकार्डियम्स, ठीक है, एपिकार्डियम्स और मायोकार्डियम्स, ये इसके 3 वैसे पार्ट होते हैं, एंडोकार्डियम भी इसका एक पार्ट है। द हार्ट ऑफ द मैन इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, द हार्ट इज इंक्लोड इन द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के अंदर इंक्लोज होता है ये, द पेरिकार्डियम इज अ डबल मेम्ब्रेनस सैक, द कैविटी बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ द पेरिकार्डियम इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, इट इज फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड, द पेरिकार्डियम्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द ओवर एक्सटेंशन, ज़्यादा फैलने से रोकता है ये, से जितना पेरिकार्डियम होगा उसके अंदर ही रह जाएगा, जिसका ज़्यादा फैल जाएगा उनको हार्ट डिजीजेज हो जाते हैं। द वॉल्स ऑफ द हार्ट, द वॉल्स ऑफ द हार्ट इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स, एपिकार्डियम्स, मायोकार्डियम्स और एंडोकार्डियम्स। एपिकार्डियम इट इज़ द आउटर मोस्ट एपिथेलियम्स ऑफ द हार्ट, मतलब सबसे आउटर मोस्ट होती है इसकी। मायोकार्डियम इट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल्स, दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ द मसल्स, दीज मसल कंटेन द मायोफेब्रिल्स एंड द मायोफिलामेंट्स, मतलब हमारे पास एपिकार्डियम्स था ना वो आउटर मोस्ट एपिथेलियम था, और मायोकार्डियम्स क्या है हमारे पास, ये इसका मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है जो कि उसके अंदर होता है, मायोफेब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स। द मायोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स मायोसिन्स एंड द एक्टिन्स, दे हैव द सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ द मायोफेब्रिल्स एंड द मायोफिलामेंट्स लाइक द स्केलेटल मसल्स फाइबर्स, बोथ हैव द सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन, मतलब ये चाहे हमारे पास एपिकार्डियम्स ये मायोफिलामेंट्स है चाहे हमारे पास दूसरा है मसल फाइबर्स, इनका एक ही काम है क्या, ये कंट्रैक्शन का काम करते हैं। देर इज़ अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन द कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स, द कार्डिक मसल आर कंपोज ऑफ द ब्रांच सेल्स एंड दीज आर सेपरेटेड बाय द इंटरकैलेटेड डिस्क, दीज सेल्स आर सेपरेटेड बाय द जंक्शन कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डिस्क। एंडोकार्डियम इट फॉर्म्स द इनर एंडोथेलियम ऑफ हार्ट, ये अंदर वाला जो हिस्सा हार्ट का वो बनाते हैं। द हार्ट कंट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है और फैलता है। इट शो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, ये मतलब इसकी रिदमिक कंट्रैक्शन होती है, ये धक धक करना जो मतलब हार्ट बीट होती है तसलसुस के साथ, एक ही उसमें रिदम में जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट आर कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, ये हमारे ब्रेन से कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब हमें टेंशन होगी तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएंगी ना। चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, दे आर द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट, आर्ट्रिया ऑन द वेंटिकल्स, द 2 अपर चैम्बर आर द थिन वॉल्स, दे आर कॉल्ड द आर्ट्रिया सिंगुलर आर्टियम्स, द आर्ट्रिया रिसीव द ब्लड एंड पास दिस ब्लड टू वेंट्रिकल्स। उसके बाद द वेंट्रिकल्स, द लोअर 2 चैम्बर आर थिक वॉल्ड, दे आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, द वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट्स द ब्लड, तो वेंट्रिकल्स क्या हैं, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चैम्बर ऑफ हार्ट थे, हार्ट के फंक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
उसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। पहले आप ये देख लें, ये हार्ट के फंक्शन है, ये इसके एओर्टा हो गए ऊपर, ये सुपीरियर वेना कावा, फिर उसके बाद ये लेफ्ट आर्टियम हो गया यहाँ पर, ये राइट आर्टियम, ये देखिए ये हमारे पास इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, तो ये राइट में ये राइट आर्टियम हो गया, ये लेफ्ट आर्टियम हो गया। इसी तरह हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल हो गया, इधर वाला पोर्शन, ये मतलब इस तरह के फोर चैम्बर होते हैं, ये राइट साइड, ये भी राइट साइड, मतलब ये राइट आर्टियम, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से जाता है ये ब्लड। फिर उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेंस राइट साइड की, फिर इसी तरह ये पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड की, फिर पल्मोनरी वेंस ये लेफ्ट साइड की, फिर ये इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर है, ये वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम्स है, ये हार्ट मसल्स हैं, ये डिसेंडिंग एओर्टा होगा ऊपर, असेंडिंग एओर्टा होगा हमारे पास, तो ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। उसके बाद थर्ड था, पहले था ब्लड, ब्लड के बाद हार्ट यानी कि पंपिंग ऑर्गन, अब थे ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड अब ट्रांसपोर्ट किस चीज़ से होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। द ब्लड वेसल्स आर द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस। द ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ये मैं आपको कंपैरिजन में करा देती हूँ, ये है आर्टरीज, द आर्टरीज क्या हैं, वेन्स क्या हैं, कैपिलरीज क्या हैं। आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू कैपिलरीज। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट इट टूवर्ड्स द हार्ट। और कैपिलरीज लिंक आर्टरीज एंड द वेन्स, मतलब इसका काम क्या है, ये हार्ट को वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू कैपिलरीज पहुँचाती हैं आर्टरीज, और वेन्स का काम क्या है, वो कलेक्ट करता है बॉडी से थ्रू कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट इट टूवर्ड्स द हार्ट। और कैपिलरीज का क्या है, ये लिंक करता है आर्टरीज और वेन्स को, मतलब ब्लड से हार्ट से पूरी बॉडी को जाना तो भी कैपिलरीज का काम है, और फिर पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ आना तो भी कैपिलरीज का काम है। आर्टरीज, ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेंगे तो ही तो हमारी बॉडी को जाएगा। ऑल वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। दे हैव द मिक्स ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है ना, तो अगर ऑक्सीजनेटेड आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड होगा, डी ऑक्सीजनेटेड आ रहा है तो डी ऑक्सीजनेटेड होगा। इसी से हमारे पास ये फर्दर इनका कंपेरिजन है, ये हमारे पास क्या थी आर्टरी, ये थी हमारे पास वेन्स, और ये थी हमारे पास कैपिलरीज। आर्टरीज दे आर द नो वॉल्व्स इन देम एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड द एओर्टा। वॉल्व्स आर द प्रेजेंस, दीज वॉल्व्स प्रेजेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, दे हैव द नो वॉल्व। अच्छा, उसके बाद है, देखिए ना यहाँ वॉल्स की बात हो रही है, दे आर नो वॉल्स इन दैम, इसके अंदर कोई वॉल नहीं होते, वॉल्व प्रेजेंस इन दैम प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड और दे हैव नो वॉल्व, ठीक है। हैव हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये बॉडी की तरफ जाता है। हैव लो ब्लड प्रेशर, जब आप ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे होंगे तो हाई ब्लड प्रेशर रहेगा ना, जब कम से ज़्यादा की तरफ आ रहे होंगे तो फिर लो ब्लड प्रेशर होगा। हैव लो ब्लड प्रेशर एंड द प्रेशर इन दैम द फॉलिंग, कम ज़्यादा होता रहता है ना, क्योंकि ये ऑक्सीडेंटेड डीऑक्सीडेंटेड ब्लड जो होता है। दे हैव द वेव ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स ड्यू टू द हार्ट बीट, दिस पल्स कैन बी फेल्ट, ये महसूस होती है फल्ट, नो पल्स। द ब्लड फ्लो रैपिडली, अगर आप अपने हाथ के जो साइड पे यहाँ इस तरफ देखें आपको फील होती है पल्स सी, क्यों फील होती है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। द ब्लड फ्लोज रैपिडली, इट फ्लोज एट द रेट ऑफ 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकेंड इन एओर्टा। दिस फ्लो ऑफ ब्लड इज डिक्रीजेज इन द आर्टरीज इन द आर्टरियोल्स, मतलब आर्टरीज और आर्टरियोल्स में ये ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होता है। रेट ऑफ द ब्लड फ्लो इंक्रीजेज फ्रॉम द स्मॉल टू द लार्ज वेन्स, जब छोटी से बड़ी में जाते हैं तो जो रेट ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज। इसी तरह आप पानी की एग्जाम्पल ले लें, जब आप पानी को पाइप से निकलता है, अब जब मोटर से पानी आ रहा होता है तो वो इतने प्रेशर में नहीं होता, अगर पानी का नोज़ल छोटा है तो वो ज़्यादा प्रेशर में आता है। जब गाड़ियाँ वगैरह वॉश कराई जाती हैं तो उसमें पानी कितना प्रेशर से आ रहा होता है, क्योंकि वो छोटे से नोज़ल से निकल रहा होता है। ब्लड फ्लो स्लोली, द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड इज़ लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, दे हैव द स्मॉल बोर एंड थिक वॉल, दे हैव द लार्ज बोर एंड द थिन वॉल, दे हैव द लार्ज बोर, देयर वॉल इज वन सेल थिंग, थिन होती है, थिंक लिखा हुआ है यहाँ, थिन होती है, थिक होती है, सॉरी। दे हैव द थिक लेयर्स ऑफ द मसल्स एंड द इलास्टिक फाइबर्स, द चेंज इन इलास्टिसिटी हेल्प इन द पल्सिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड। दे हैव द थिन मसल्स लेयर एंड द लेस इलास्टिक फाइबर्स, सो दे आर द लेस इलास्टिक,
नो मसल्स और एलास्टिक फाइबर्स। आर्टरीज के अंदर नो एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल टेक प्लेस, नो एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल टेक प्लेस वेंस में, और जो कैपिलरीज है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल। ये देखिए यहाँ डिफरेंस है, आर्टरीज कैपिलरीज वेंस। आर्टरीज के अंदर एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलम्स, इलास्टिक लेयर्स, सर्कुलर स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसमें सिर्फ एंडोथेलियल मसल्स होते हैं, जबकि वेंस हैं एंडोथेलियम्स, इलास्टिक लेयर्स, स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये था सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन बीइंग का। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अब तक आपने लॉन्ग इतने पढ़े नहीं हैं तो ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इनको लॉन्ग ही प्रिपेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।